तो अभी हम पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट. कार्डियक मतलब हार्ट और आउटपुट मतलब वो कितना ब्लड बाहर पंप कर रहा है. सो कार्डियक आउटपुट मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट. मतलब एक हार्ट का एक वेंट्रिकल एक मिनट में जितना ब्लड पंप करता है उसी को हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं. हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल एक मिनट में जितना ब्लड पंप करेगा उसी को हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू ही एओर्टा निकलता है जो सारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है. सो कार्डियक आउटपुट मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी को एक मिनट में जितना ब्लड सप्लाई कर रहा है उसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट को हम तीन वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो है स्ट्रोक वॉल्यूम, माइनूट वॉल्यूम और कार्डियक इंडेक्स. ये तीन टर्म्स के थ्रू हम कार्डियक आउटपुट को एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो हम इंडिविजुअली सबको देखेंगे. तो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच बीट. मतलब एक वेंट्रिकल ईच वेंट्रिकल एक बीट में जितना ब्लड सप्लाई करता है बॉडी को उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं. इसकी वैल्यू है 70 ml. उसके बाद है माइनूट वॉल्यूम. ये क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन वन मिनट. मतलब एक वेंट्रिकल एक मिनट में जितना ब्लड सप्लाई करता है बॉडी को उसको हम बोलते हैं माइनूट वॉल्यूम. एक बीट में ईच बीट में जितना ब्लड सप्लाई होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक मिनट में जितना ब्लड सप्लाई होता है उसको बोलते हैं माइनूट वॉल्यूम. माइनूट वॉल्यूम को डिटरमाइन करने का जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. सो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, 70 ml, और हार्ट रेट मतलब हार्ट बीट क्या है, 72. सो 70 × 72 इज 5 liter per minute. मतलब जो माइनूट वॉल्यूम है वो 5 liter per minute है. इसका ये मतलब है कि एक मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी को 5 liter ब्लड सप्लाई करता है. तो ये हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब ईच बीट में कितना ब्लड सप्लाई हुआ, और माइनूट वॉल्यूम मतलब एक मिनट में कितना ब्लड सप्लाई हुआ. उसके बाद है कार्डियक इंडेक्स. कार्डियक इंडेक्स क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन ईच मिनट टू पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया. मतलब एक वेंट्रिकल एक मिनट में एक मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया को जितना ब्लड सप्लाई करता है उसको बोलते हैं कार्डियक इंडेक्स. कार्डियक इंडेक्स की नॉर्मल वैल्यू है 2.8 ± 0.3 liter per square meter ऑफ बॉडी सरफेस एरिया पर मिनट. मतलब एक मिनट में एक मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया को हार्ट 2.8 लीटर तक ब्लड सप्लाई करता है. तो ये था कार्डियक इंडेक्स. उसके बाद जो इसके बाद है वो है इजेक्शन फ्रैक्शन. इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल. डायस्टोल के टाइम पे जितना वॉल्यूम इजेक्ट होता है ब्लड का उसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन. इसकी वैल्यू है 60 to 65% ऑफ कार्डियक आउटपुट. इसको हम 2D इकोकार्डियोग्राफी से मेजर कर सकते हैं. उसके बाद है कार्डियक रिजर्व. कार्डियक रिजर्व क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कैन बी पम्प बाय हार्ट अबव नॉर्मल वैल्यू. नॉर्मली जो कार्डियक आउटपुट होता है 5 liter per minute, उसके ऊपर मतलब हार्ट अगर बहुत स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो ज़्यादा ब्लड जो हार्ट पम्प कर सकता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक रिजर्व. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो हार्ट पम्प कर सकता है अबव कार्डियक आउटपुट उसको हम बोलेंगे कार्डियक रिजर्व. कार्डियक इंडेक्स जो हमने यहाँ पे पढ़ा उसका एक फॉर्मूला है, कार्डियक इंडेक्स इज कार्डियक आउटपुट बाय बॉडी सरफेस एरिया. मतलब जो कार्डियक इंडेक्स है वो कार्डियक आउटपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बॉडी सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर बॉडी सरफेस एरिया कम होगा तो कार्डियक इंडेक्स ज़्यादा होगा, और अगर बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा है तो कार्डियक इंडेक्स कम होगा. इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है चिल्ड्रन का क्या होता है, बॉडी सरफेस एरिया कम होता है जिसकी वजह से उनका कार्डियक इंडेक्स ज़्यादा होगा, और जो एडल्ट्स होते हैं उनका बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उनका कार्डियक इंडेक्स कम होगा. सो ये थे कार्डियक आउटपुट को मेजर करने के तीन टर्म्स, स्ट्रोक वॉल्यूम, माइनूट वॉल्यूम और कार्डियक इंडेक्स. उसके बाद हम देखेंगे वेरिएशन इन कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट का कैसे वेरिएशन होता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग और पैथोलॉजिकल वेरिएशन के अकॉर्डिंग. सो हमने ये कंडीशन पहले ही एस्टेब्लिश कर ली है कि कार्डियक इंडेक्स कार्डियक आउटपुट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जो हमने ये फॉर्मूला में देखा है कि कार्डियक इंडेक्स और कार्डियक आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉडी सरफेस एरिया के. सो अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है तो कार्डियक इंडेक्स कम होगा. उसके बाद जो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है एज के अकॉर्डिंग, तो एज के अकॉर्डिंग कैसा चेंज होता है, चिल्ड्रन में जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कम होता है क्योंकि उनमें बॉडी वॉल्यूम जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कम होता है. तो ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा. तो कार्डियक इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा. सेक्स के अकॉर्डिंग फीमेल में क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट लेस होता है मेल से. क्यों, क्योंकि इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, सो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है और कार्डियक इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है.
बॉडी बिल्ड, सो ग्रेटर इज द बॉडी बिल्ड ग्रेटर इज द कार्डियक आउटपुट, बड़ी बॉडी का कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी ब्लड सप्लाई की डिमांड ज़्यादा होती है। उसके बाद डायूरनल वेरिएशन, कार्डियक आउटपुट लो होता है अर्ली मॉर्निंग में और डे टाइम के में वो बढ़ते चले जाता है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का कार्डियक आउटपुट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तभी कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन, सो एंग्जाइटी एक्साइटमेंट में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है अबाउट 50 to 100 टाइम्स। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस में एंग्जाइटी में डिप्रेशन में कैटेकोलामाइंस का मतलब एड्रिनालिन और नॉन एड्रिनालिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। मील्स के बाद क्या होता है, तो खाने के एक घंटे बाद कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है क्योंकि उसमें हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। हाई अल्टीट्यूड पे जब हम कोई ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे जाने के बाद ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लग जाती है जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तब हमारा एड्रेनालिन इन सिक्रेट हो जाता है, तो एड्रेनालिन क्या करवाता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़वाता है जिसकी वजह से हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। पोस्चर, पोस्चर में क्या होता है, जब रिकम्बिनेंट पोजीशन से अपराइट पोजीशन पे जाते हैं तो कार्डियक आउटपुट घट जाता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है बाय 40%। स्लीप में क्या हो जाता है, कार्डियक आउटपुट थोड़ा डिक्रीज हो सकता है या कभी कभी अनअल्टर्ड भी हमको मिल सकता है। तो ये थे फिजियोलॉजिकल वेरिएशन अन जहाँ पे कार्डियक आउटपुट का चेंज होता है। अभी हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन, मतलब कोई डिसीज की कंडीशन में तो वहाँ कैसे कार्डियक आउटपुट चेंज होता है। सो इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट कब कब बढ़ेगा, फीवर में बढ़ेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीडेटिव प्रोसेस बढ़ जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो जाएगा, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR बढ़ जाएगा जिसकी वजह से हीट जनरेशन ज़्यादा होगा, हार्ट बीट ज़्यादा होगी क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया है जिसकी वजह से हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और हार्ट रेट बढ़ गया मतलब कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। उसके बाद है अनीमिया, अनीमिया में क्या होता है कि बॉडी में जो RBC का साइज़ है वो बहुत स्मॉल हो जाता है। सो RBC क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन जो सब बॉडी टिश्यूज़ को सप्लाई होता है। सो अनीमिया में क्या हो जाता है कि RBC कम हो गया जिसकी वजह से O2 सप्लाई बॉडी को कम हो गया। O2 सप्लाई कम होने की वजह से जो बॉडी का जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो गया। एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पर रिलीज हुआ एड्रिनलिन। एड्रिनलिन क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है मतलब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा के BP बढ़वाता है। सो ये एक पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग है की तरह एक्ट करता है। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। सो ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, हार्ट को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा और अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। इसलिए अनीमिया में जब ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं उसमें कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। सो ये थे पैथोलॉजिकल वेरिएशन जहाँ पे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। उसके बाद अभी हमने देखा कहाँ कहाँ पे कार्डियक आउटपुट कम बढ़ता है, अभी हम देखेंगे कि कौन से कंडीशंस में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो गया, BMR कम हो गया, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो गया जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो गया तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो गया। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या हो जाता है, जब एट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है वो ग्रेटर देन 200 हो जाता है। तो हाँ, अगर एट्रिया इतने जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हार्ट को टाइम ही नहीं मिलेगा ब्लड फिल करने के लिए डायस्टोल के टाइम पे, और अगर हार्ट में ब्लड फिल ही नहीं हुआ तो हार्ट ब्लड पंप भी नहीं कर पाएगा। सो इसमें क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम जो हार्ट में आता है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। मायोकार्डियल डिजनरेशन या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, इसमें क्या होता है कि हार्ट अच्छे से ब्लड पंप कर ही नहीं पाता है, हार्ट के जो मसल है कार्डियक मसल वो अच्छे से ब्लड पंप कर ही नहीं पाते जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। उसके बाद है शॉक, कार्डियक शॉक जिसमें क्या हो जाता है, पंपिंग और सर्कुलेशन बहुत ही पुअर हो जाता है। उसके बाद है हेमरेज, हेमरेज मतलब ब्लड लॉस, तो बॉडी से अगर ब्लड लॉस हो गया तो बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बॉडी का कम हो गया तो हार्ट में भी ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सारे कंडीशंस थे जिसमें कार्डियक आउटपुट कम हो गया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स मेंटेनिंग कार्डियक आउटपुट, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करते हैं। तो इसमें पहला है वीनस रिटर्न, फिर है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फिर है हार्ट रेट और फिर है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो वीनस रिटर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्डियक आउटपुट के, मतलब अगर वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। सो वीनस रिटर्न क्या होता है, जो सुपीरियर वेना केवा है और इन्फीरियर वेना केवा है ये सारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं हार्ट तक। सो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो कि वीनस रिटर्न जो SVC और IVC से अगर हार्ट में आया है अगर वही कम है तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा क्योंकि हार्ट में ब्लड ही नहीं आ रहा है। जब
जब वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल जाएगा, राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजनेट होने के बाद वो आएगा लेफ्ट एट्रिया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा। तो अगर वीनस रिटर्न ही कम होगा तो बॉडी बॉडी में ब्लड रहेगा ही नहीं। अगर डिऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में आएगा ही नहीं तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। सो अगर वीनस रिटर्न कम है तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्डियक आउटपुट के। अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करा उतना ही ब्लड वो बाहर हार्ट में पंप करके बॉडी को सर्कुलेट करेगा। उसके बाद है हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। जितना हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। उसके बाद है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब जो रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो को रोकता है आर्टरीज में, मोस्टली पेरिफेरल रेजिस्टेंस आर्टरीज ऑफर करते हैं। सो अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, कम ही हो जाएगा ना। तो ये चार फैक्टर्स थे, वीनस रिटर्न, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट, जिससे कार्डियक आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये तीन फैक्टर्स बढ़ने से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो ये चार मेजर फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है। इन सभी फैक्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। ये सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन्ड है। तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।